अलीपुरद्वार जिला कालचनी प्रखंड के दो अलग अलग ग्रामीण इलाकों में मच्छरदानी व चादर वितरण किया गया। आज एक और बंद कालचनी चाय बगान में मच्छरदानी व चादर वितरण किया गया, तो वहीं दूसरी ओर न्यू हसीमाड़ा रेलवे कॉलोनी इलाकों के घर में मच्छरदानी व चादर वितरण किया गया। आयोजक कमेटी मणि ट्रस्ट के सदस्य दिनेश सपकोटा, बिमल नाग और सपन दे ने बताया कि हमने जरूरतमंद लोगों को मच्छरदानी व चादर वितरण की। आज कुल 200 लोगों को वितरण किया गया, लेकिन जब शेष चरण में हसीमाड़ा रेलवे कॉलोनी के एक ऐसे घर पहुंचे जहां एक परिवार के पास अपना घर नहीं है, वहां जब हमने मच्छरदानी व चादर प्रदान किया तो हमें शर्म सी आ गई। हमें इतना दुख लगा कि हम उस परिवार के कोई बड़ा सहयोग नहीं कर पाए। सिर्फ आज नहीं, कल हम लोग रविवार के दिन कालचिनी में हम लोग 200-250 मच्छरदानी और चादर को वितरण किए थे मनी ट्रस्ट की ओर से। ये मनी ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है। तो कल सुनने में आया था कि हसीमाड़ा में भी ऐसे दो चार परिवार हैं जो कि बहुत नीडी हैं, उनका कोई उपाय नहीं है, दिन गुजरा चलता नहीं है। तो विशेषकर हमारे जो स्टेशन के बगल में, हसीमाड़ा स्टेशन के बगल में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ का एक मैडम है वो अनिता मिस, उन्होंने जानकारी दी कि उनके स्कूल के बगल में, स्टेशन के बगल में एक परिवार है जो कि वो सुने में आया कि बिहार से आए हैं, लेकिन उनका कोई गुजारा चलता नहीं है, उनका पिताजी भी है नहीं, तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग। तो यहाँ पर हम लोग साक्षात आए आज हसीमाड़ा में, जो 10-12 जो परिवार हैं उन लोगों को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मच्छरदानी और चादर, साथ साथ वो मिस को लेकर यहाँ हम लोग आए हैं। अभी आने के बाद में देखते हैं तो बहुत हमको दुख लग रहा है। तो ये तो सिर्फ एक नमूना के तौर पर मच्छरदानी और चादर उन लोगों को दिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है इन लोगों को। तो अभी यहाँ पर आकर साक्षात हम लोग देखें तो बहुत मैंने भावुक हो रहा है, आप लोगों को हम सही से बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा जो भी संस्था है, सिर्फ मनी ट्रस्ट क्यों, मनी ट्रस्ट में तो जो जितना हो रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सभी ट्रस्टी हैं। तो जितने भी हमारे सामाजिक सोच के जो भी समाज को कुछ उन्नति और दुख महसूस जो करते हैं, दूसरे जो भी हैं, तो समाज के जो भी व्यक्ति हैं वो लोग आकर ऐसे जो गुजारा कर रहे हैं लोग, तो इनको भी कुछ मदद का हाथ बढ़ाएं। कम से कम इन लोगों को पालन पोषण सही ढंग से हो, होने से तो कर तो हम लोग सकते हैं, लेकिन किसी का फुर्सत नहीं है, किसी सोच आता भी नहीं है, हर कोई का है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका जरिया मिलता नहीं है। आप यहाँ कहाँ रहती हो? हम यहाँ रहते हैं। आपका आपका अपना घर है? नहीं। आप ये झोपड़पट्टी में रहती हो? हाँ। यहीं पर रहती हूँ। आप लोग घर पे कितने लोग हैं? 3 जन। कौन कौन? मैं, मम्मी, मेरे भाई, हम। आप लोग खाना कैसे खाते हैं? मैं मम्मी चलाता है। आपकी मम्मी क्या करती है? कूड़ा करता है। कूड़ा कचरा उठाती है। आपका नाम? नंदन कुमारी राज। आप कौन से स्कूल में पढ़ती है? 5।